हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, चलते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित 15 क्वेश्चन को करवाया था, जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो यह दोस्तों आज दूसरा टॉपिक है प्रतिशत का, जिसमें मैं यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि एक स्कूटर का मूल 50,000 रुपए है, हर वर्ष इसके मूल में 12% कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल क्या होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, और मैं आप लोगों को जो सबसे इजी मेथड होता है वही बताऊंगा। और इस क्वेश्चन को दोस्तों आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है स्कूटर का जो मूल है वह कितना है, 50,000 स्कूटर का मूल है। यह स्कूटर का प्रारंभिक मूल 50,000 रुपया है। फिर आगे कहता है कि हर साल 12% क्या होता है, स्कूटर के मूल में कमी आता है। पहले साल में कितना कमी आता है, 12%। तो 12% कमी आता है, यानी 100 में जो 12% कमी आएगा वह कितना हो जाएगा, 88 बटा हो जाएगा यह 100। पहले साल में इतना कमी आया, फिर दूसरे साल में भी 12% कमी आता है, तो यह हो जाएगा 88/100 हो जाएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो को हम हटा देते हैं, 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से हटा देते हैं। हम 88 × 88 कर लेते हैं, इस साइड में हम गुणा कर लेते हैं 88 से 88, तो 8 × 64 = 4 6 64 70 हो जाएगा, और ये भी ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 77 = 44 आ जाएगा। फिर आप 77 = 44 × 5 कर लेंगे, इसको गुणा कर लीजिए, 5 × 20 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 20 22 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 2 × 37 7, हासिल 3 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 3 × 38 हो जाएगा। यह हो जाएगा स्कूटर का मूल 2 साल के बाद, कितना हो जाएगा, 38,720 रुपया हो जाएगा 2 साल के बाद स्कूटर का मूल हो जाएगा घट के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन 2 यह है कि यदि 75% = 9 हो तो यक्स का मान होगा। यह दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन के। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि 75% यक्स प्रतिशत मतलब यक्स बटा हो जाएगा यह 100 इक्वल टू कितना दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पे हमें यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे 25 × 75 हो जाएगा, 25 × 100 हो जाएगा, और यही 10 से 3 काट जाए 3 = 9 यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन 3 यह कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5,580 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, यह भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो इसमें दिया निकालना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो हम दोस्तों मान लेते हैं कुल मत जो थे, यानी कुल जो वोट पड़े थे, यानी कुल मतों की जो संख्या है वह मान लेते हैं 100 है, यानी हम मान लेते हैं कितना, 100 मान लेते हैं कुल मतों की संख्या है। और कुल मतों की संख्या में से जो हारने वाला बंदा है वह कितना पाता है, इसका 41% पाता है। जब हारने वाला बंदा जो है 41% पाता है, तो जीतने वाला कितना पाएगा, जीतने वाला जो पाएगा 100 में से 41 घटा लेंगे तो कितना पाएगा, 100 में से 41 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 59 हो जाएगा, 59 पाता है हारने वाला पता है। उसके बाद क्या कहता है कि क्वेश्चन में आगे कहता है कि तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए, हारने वाला कितना पाया, 41 वोट पाया, और जीतने वाला कितना पाया, 59 वोट पाया। अब बताइए कि हारने वाला कितने मतों से हार गया, तो हारने वाला जो है
यहाँ से 59 में से 41 घटाएंगे तो यह 18 वोट से क्या हो गया, हारने वाला जो है हार जाता है, 18 वोट से हार जाता है। तो 18 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में क्या दिया है कि वह 5580 मतों से पराजित हो जाता है। तो 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5580 हो जाएगा, ये इतने से हार जाता है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, इसे डिवाइड करेंगे, 5580 को 18 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा इतना। अब हमें निकालना है कुल मतों की संख्या, यानी हमें 100 की वैल्यू निकालना है। तो एक की वैल्यू कितना है, 5580 बटा 18, तो 100 की कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यह 5580 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हम 18 से काटते हैं कितना, 18 * 54 होता है 3, और 18 * 18 यह हो जाएगा कितना, 310 गुणे 100 करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 31,000 आ जाएगा। मतों की संख्या कितनी थी, 31,000 मतों की संख्या थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहता है कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मूल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को वर्बली विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कहता है कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल था वह कितना था, 16 रुपये था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल था। फिर बाद में क्या होता है, चीनी का मूल घट के हो जाता है कितना, 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो क्वेश्चन हमें यही निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी आई। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना था, 16 रुपये था, अब बाद में कितना हो जाता, 14 रुपये हो जाता। कितने रुपये की कमी आई, 2 रुपये की कमी आई। कितने पे कमी आता, 16 पे कमी आता है, 16 2/16, और हमें प्रतिशत निकालना तो गुणे 100 कर लेंगे, यह हो जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 * 2 = 8 = 25 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 12.5 रुपया, मतलब 12.5% आ जाएगा, 12.5% की क्या आई, कमी आ गई चीनी के मूल में। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन का वर्बली विदाउट पेन विदाउट पेपर के सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड में। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट है। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यह कहता है कि रजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर और 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता तथा शेष बचत करता है, अगर उसकी बचत 2,250 रुपया प्रति माह है तो रजेश की आय क्या है। तो दोस्तों रजेश की आय हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं रजेश की आय जो है वह 100% है। कितना मान लेते हैं, रजेश की आय कितना मान लेते हैं, रजेश की आय मान लेते हैं वह कितना है, 100%, यह हमने मान लिया। अब उसने कुल कितना खर्च करता है, इसको हम देख लेते हैं, कुल खर्च क्या है, कुल खर्च वह इस आय का वह 15% मकान किराए पर खत्म करता है। कितना, 15% मकान किराए पर खत्म करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, 35% भोजन पर खत्म करता है, 35% भोजन पर खत्म करता है। फिर आगे कहता है कि वह 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, 20%। तो उसका कुल खर्चा कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ के जोड़िए, 35, 15, 50, 20 कितना हो गया, 70। कुल खर्चा कितना हो गया, 70%। कुल खर्चा कितना है, 70%, जबकि उसकी आय कितना है, 100%। तो उसका बचत कितना होता है, बचत कितना हो जाएगा, बचत जो होगा आय में से खर्च हम निकाल लेंगे वह बचत आ जाएगा, 100 - 70 = 30। 30 क्या है, उसका बचत है, 30% क्या आ गया, बचत आ गया। और क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है अगर उसकी बचत जो है 2,250 रुपया है, यानी 30% की वैल्यू जो है वह दिया है 2,250 रुपया। तो हम लगा लेंगे, हम करते हैं 30% = 2,250, तो 1% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 0 0 0 हटा लेते हैं और यह हो जाएगा 225/3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कुल आय, यानी 100% की वैल्यू निकालना है, 1% इसको जो 225/3 है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 3 * 7 = 21 और 1 * 3 = 15, यानी यह 7500 आ जाएगा, इसकी कुल आय आ जाएगी रजेश की। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है,
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे, और वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करना ही इस क्वेश्चन को इजी होता है, और अदर मेथड पे जाएंगे तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहता है कि इसमें छात्रावास में लड़के कितना है, लड़की की संख्या कितनी है, लड़के कितना है, लड़के जो है वह कितना है, वह 1200 लड़के हैं, टोल कुल 1200 लड़के हैं हॉस्टल में, यह लड़कों की संख्या हो गई। और इसमें कहता है हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं, यदि लड़के 75 हॉकी खेलने वाले कितने, हॉकी को हम यस से लिखते हैं, हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 75% जो है वह हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं 75%। और इसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को हम यफ से लिखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं कितना, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो हमें निकालना है कितने ऐसे लड़के हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी हॉकी और फुटबॉल का इंटरसेक्शन होता, मतलब निकालना है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है वेन डायग्राम, ये देखिए यहां पे दोस्तों, तो ये दोस्तों हम गोला मान लेते हैं हॉकी का है, और यह गोला मान लेते हैं हम फुटबॉल का है, ये हो गया दोस्तों। अब इस गोले का मतलब यह है कि यहां तक दोस्तों यहां से यहां तक क्या है, हॉकी खेलने वाले लड़के हैं, और यहां से यहां तक क्या लड़के हैं, फुटबॉल खेलने वाले, और बीच का जो यह भाग है यह हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं, यानी ए इंटरसेक्शन यफ होता है, सॉरी एच इंटरसेक्शन यफ है। इसका मतलब यही वैल्यू हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, यही हमें निकालना दोस्तों। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों देखिए हॉकी खेलने वाले कितने हैं, यह मतलब यहां से टोटल कितने हैं, यह 75% हॉकी खेलने वाले हैं, और यहां पे इस इधर इतना पूरा गोला कितना है, यह 45% फुटबॉल खेलने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले हो गए। हमें निकालना कितना, यही टर्म हमें निकालना दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए 75 और 75% प्लस 45% आप जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 75 प्लस 45 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 120% आ जाएगा, हो जाएगा 120%। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, जो लड़के हैं 1200 लड़के हॉस्टल में, यह जो संख्या है अपने आप में क्या है, 100%, यानी अपने आप में यह जो लड़कों की जो संख्या है वह अपने आप में 100% है, जो 100% यह अपने आप में लड़कों की जो संख्या है वह क्या है, 100% है, ये अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे दोनों लड़कों को अगर हम जोड़ते हैं, हॉकी खेलने वाले 75 है और फुटबॉल खेलने वाले 45, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की जो संख्या आ रही है 120% आ रही है, जबकि होना चाहिए कितना, 100% होना चाहिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 20 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 120 में से 100 घटाएंगे, जो 20% एक्स्ट्रा लड़के आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने लड़के हैं, वह 20% है। इसका मतलब यहां से निकल के यह आ जाएगा कि 20% जो ऐसे लड़के हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में यह निकालना है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी हमें यहां पे संख्या निकालना है, ना कि प्रतिशत निकालना है। तो अगर प्रतिशत पूछता कितने विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, कितने प्रतिशत, तो 20% इसका आंसर हो जाता है। बट इसमें क्या निकालना है कि खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यह हमें निकालना है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, जो जो लड़के हैं अपने आप में कितना है, 100% है, 1200 कितना है लड़के, 100%। तो हम क्या लेंगे, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहां से 2 जीरो हटा देंगे तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमें निकालना है 20% की वैल्यू, तो 20% कितना हो जाएगा, 12 × 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 12 × 24, यानी लड़कों की जो संख्या हो जाएगी 240 लड़के ऐसे हैं जो हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने वाले लड़कों की जो संख्या है 240 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यही हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने दोस्तों यहाँ पर 20% निकाला है, आप इसको एक तरीके और से निकाल सकते हैं, यक्स मान के निकाल सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को एक बार रफ करके बता देता हूं कैसे यहां पर यक्स से निकालेंगे आप।
देखिए यहाँ पर हमें अगर ये दोनों खेल खेलने वाले लड़के कितने हैं अगर प्रतिशत में निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं यह लड़कों की जो संख्या है यक्ष प्रतिशत है, तो यक्ष प्रतिशत ये हो जाएगा, ये दोनों गोले के जो लड़के हैं कितना जाएगा यक्ष प्रतिशत। अब देखिए हॉकी खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक कितना यक्ष है, जबकि यह 75 जो है यहां से लेके यहां तक है, तो यह 75 यह जो शेष है यह वाला हिस्सा यह कितना हो जाएगा 75 माइनस यक्ष हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा, यह जो शेष खाली आप लोगों को दिख रहा है। इसी प्रकार से इस साइड में भी जो खाली स्पेस दिख रहा है व्हाइट वाइड वह हो जाएगा यह 45 माइनस यक्ष प्रतिशत हो जाएगा। अब जब आप लोग इसको जोड़ेंगे मतलब दो खेल खेलने वाले मतलब लड़कों की कुल कितनी संख्या है, तो 75 माइनस यक्ष यहाँ पे 75 माइनस यक्ष प्रतिशत प्लस यक्ष इसको जोड़ लेंगे प्लस 45 माइनस यक्ष इसको जोड़ लेंगे और यह जो लड़कों की जो संख्या है वह कितना हो जाएगा 100%। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 20% निकल के आ जाता, वही जो मैंने निकाला था डायरेक्ट मेथड से। तो दोस्तों इसके आगे वही प्रोसेस है जो मैंने इससे पिछले वाले मतलब आप लोगों को समझाया था डायरेक्ट मेथड से। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि 360 का 30% माइनस 280 का 10% इज इक्वल टू 800 का मतलब 800 का प्रतिशत है तो मान बताओ, मतलब जो इस यहाँ पे दिया है सिंबल क्वेश्चन मार्क्स का उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, तो इसमें दिया है 360 का 30%, का मतलब हो जाएगा गुणा, इसका हो जाएगा 30%, क्या हो जाएगा। आगे कहता है कि माइनस 280 का मतलब गुणा हो जाएगा, का मतलब गुणा बट 10/100 हो जाएगा। आगे कहता है कि इक्वल टू दिया है, इक्वल टू कितना दिया है 800 का मतलब गुणा, यहाँ पर ये दिया सिंबल, तो इस सिंबल के स्थान पर हम मान लेते हैं यक्ष कितना यक्ष प्रतिशत हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका मतलब यही है दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, यक्ष का मान निकालना है, तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए दो जीरो से हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ से दो जीरो हट जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 36 गुणे तीन आ जाएगा, 36 गुणे तीन कितना हो जाता है 108 होता है, और माइनस 28 हो जाएगा इक्वल टू 800 गुणे यक्ष प्रतिशत है, यक्ष बटा 100 हो जाएगा, यहाँ से दो जीरो हट जाएगा, अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 जाएगा, 100 180 आ जाएगा 80, और यक्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, मतलब ये 80 इक्वल टू यक्ष आ जाएगा, दो जीरो हट गया है गुणे 8 है, तो यहाँ से 8 कटेगा, यक्ष की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन में क्या दिया देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है 10%, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस सिर्फ हमें इसमें सॉल्व करना था, सिंप्लीफिकेशन था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 यह दिया कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हत प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी दोस्तों, इसमें कहता है कि 600 अंकों का एक पेपर था, पूर्णांक कितने का 600 था, 600 में क्या है 522 अंक अगर पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे, तो यह क्या है कटाव हमें निकालना है, मतलब यह है कि 522 जो आप नंबर पाए हैं 600 में यह कितना प्रतिशत है, इसका मतलब सिंपल यही है 522 हो जाएगा, 522/600 हो जाएगा, और यह कितना प्रतिशत हो जाएगा यह निकाल लेते हैं, दो जीरो काट लेते हैं, इसे 6 से काटेंगे कितना 8 छक 48, 452 और 6 7 42, यही 87% हो जाएगा, 87% यही कट ऑफ होगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी दम नहीं था क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हत प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हत प्राप्त अंकों के संदर्भ में कटाव क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन में यह है कि मतलब इसमें दे दिया कि अगर आप 72% मतलब प्रतिशत लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और इसमें दिया है कि पेपर का जो नंबर है टोटल पूर्णांक है वह 650 है, 650 में अगर आप 72% लाएंगे तो क्या है आप पास हो जाएंगे। हमें निकालना है क्या है कि आपने जो 72% पाया है यह 650 का कितना नंबर है, यानी हमें नंबर निकालना, नंबर कितना है यह है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम कर लेंगे 650 का कितना 72%, 650 का 72%
जो होगा वह हो गया आपने कितना नंबर पाया है 650 में। यहाँ से एक जीरो काट लेंगे, यहाँ से अब यहाँ कटेगा 13 से, मतलब 5 से, 13 पंजे 65, 5 दुना 10, यहाँ से हो जाएगा 36 दुना 72। 36 गुड़े 13 कितना होगा, आप गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा यह 13 पंजे 65, 13 6 78, 8 हो जाएगा और 7 हाथ से 13 39, 7 कितना हो जाएगा 46, यह 468 हो जाएगा यह नंबर। मतलब आपने जो है, मतलब इसने जो क्वेश्चन में दिया 468 अगर नंबर पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएंगे। और 468 जो है यह कितना 72% है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि 435 का 78% होगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कहता है कि 435 का 78% मतलब 78 बटा 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करना, सिर्फ इसको हम काटते हैं 5 से, 20 पंजे 100, इसको काट लेते हैं 8 पंजे 40 और 3 5 7 35 हो जाएगा। और यहाँ से काट लेंगे 10 और ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 10 है और इसको 10 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा कितना, हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। 3.9 को हम 37 से गुणा करते हैं तो 37 गुणे 3.9, 9 37 63 के 3 6 9 72 72 6 72 6 78 हो जाएगा और 7 21 1 2 हो जाएगा, 8 24 24 2 कितना हो जाएगा 26, 3 8 1 9 7 6 13 और 2 1 3, तो यहाँ पे दशमलव 1 दशमलव बढ़ाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 339.3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, तो दोस्तों इस ऑप्शन जो दिया है वह गलत है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वह 339.3 होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी था, अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में यह कहता है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कहता है कि 75 अंक में से ऋषि जो है 75 अंक में से कितना पाता है, 66 अंक पाता है, तो यह कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत उसने पाया है। तो 66 बटा 75 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 3 × 22 हो जाएगा, 3 × 6 और यह हो जाएगा 25 × 3 = 75 हो जाएगा और 25 × 4 = 100 हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 88 आ जाएगा, 88% उसने अंक क्या है प्राप्त किया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन में यह कहता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% चौड़ाई 30% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है तो कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं लंबाई को हम दिखा लेते हैं यल से और चौड़ाई को दिखा लेते हैं हम बी से और हम ऊंचाई को दिखा लेते हैं यच से। इनका जो अनुपात दिया है वह कितना दिया है 5:4:2 के अनुपात में यह दोस्तों दिया है। तो दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि लंबाई, मान लिया हमने लंबाई कितना है 50 और चौड़ाई को मान लेते हैं 40 और ऊंचाई को मान लेते हैं 20, यह हो गया दोस्तों। अगर आप 50, 40, 20 का अनुपात लेंगे तो यही आएगा 5:4:2 आ गया। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर आप 5x, 4x, 2x भी मान सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर 50, 40, 20 इसलिए माना है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और टाइम टेकिंग नहीं होगा। आगे क्या है क्वेश्चन में क्या निकालना, में लंबाई जो है वह 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई जो है 25% बढ़ जाती है और ऊंचाई जो है 25% कम हो जाती है। अगर यहाँ पर आप x मानते तो 20% बढ़ाते तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगा। यहाँ पर आप अभी देखिएगा आप लोग, या इसको हम क्या करते हैं 20% बढ़ाना है, चौड़ाई क्या है लंबाई 20% बढ़ाना है और चौड़ाई को क्या करना है 25% बढ़ाना है और ऊंचाई को क्या है -25% क्या है इसमें कमी करना है। यह है अब इसमें कमी करने के बाद क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यह हमें निकालना है। देखिए 50 का 20% क्या बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है, तो 50 का 20% बढ़ जाता है यानी 120 हो जाए, 120/100 यह हो जाएगा कितना 60 आ जाएगा। मतलब जो पहली दीवार की जो लंबाई थी पहले 50 मीटर थी तो अब कितना हो जाता है 60 मीटर हो जाता है जब 20% लंबाई बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे दोस्तों इसको 20 वाले साइड को हम रफ कर देते हैं, रहने दीजिए ऐसे ही रहने देते हैं। 40 का हम 25% बढ़ाएंगे तो 40 का 25% जब बढ़ जाता है 40×125/100 हो जाता है। अब इसको हम काट लेंगे तो यहाँ पर हम काटते हैं
पच्चीस पंजे 125, 25 चौके 100, यहाँ से 4 यहाँ 10, तो ये हो जाएगा कितना 50 आ जाएगा 50। देखिए पहले दीवार की चौड़ाई कितनी थी 40 थी, जब 25% बढ़ जाता तो दीवार की चौड़ाई कितनी हो जाता 50 हो जाता है। इसी प्रकार से जब ऊंचाई में क्या होता है कमी होता है, ऊंचाई कितना है 20, ऊंचाई में जब 25% कमी यानी 75 बटा 100 हो जाता है, एक जीरो कट गया 5 हो जाएगा, अब इसे काटेंगे कितना 15 25 75, तो यहाँ पे ऊंचाई कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंबाई दीवार की पहले 50 मीटर थी वह आप कितना आ गया, जब 20% बढ़ जाता है तो 60 हो जाता है, जब लंबाई चौड़ाई कितना थी दीवार की 40 थी, जब इसमें 25% बढ़ता है तो दीवार की चौड़ाई कितना हो जाता है 50 मीटर, और जब पहले क्या थी दीवार की जो ऊंचाई थी वह 20 मीटर थी, जब इसमें 25% की कमी होता है तो यह दीवार की चौड़ाई ऊंचाई अब कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब दीवार का जो माप था, लंबाई थी 50 थी और चौड़ाई थी 40 थी और ऊंचाई 20 थी, तो दीवार का क्षेत्रफल कुल कितना था यहाँ पे, तो दीवार के चारों दीवार का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों यह होता है कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या होता है यह चारों दीवारों को क्षेत्रफल का यह फार्मूला होता है दोस्तों, यह होता है। अब इसी फार्मूले को हम रखेंगे क्या रखेंगे, पहले यह निकाल लेते हैं पहले दीवार का क्षेत्रफल कितना था, तो पहले दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो पहला जो पैमाना दिया था लंबाई कितना दिया था 50 दिया था और चौड़ाई कितना दिया 40 दिया था, ऊंचाई कितना 20 था, इस पे हम रखेंगे तो 50 40 90 और 2 गुणे 90 और हाइट कितना 20, तो यह जब आप गुणा करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 9 × 18 और 18 × 36 यानी यह आ जाएगा 36 हो जाएगा। पहले दीवार की जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल था वह कितना था 3600 था, पहले दीवार का क्षेत्रफल इतना था दोस्तों। अब जब लंबाई में 20% बढ़ जाता और चौड़ाई में 25% बढ़ जाता, हाइट में 25% बढ़ जाता है, तो अब दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, अब चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए अब देखिए इस फार्मूले में रखेंगे 60 + 40 कितना 110, तो यह 60 + 40 110, तो 2 × 110 गुणे हाइट कितना 15 इसको हम गुणा करते हैं तो यह 15 × 30 11 × 33 यानी यह आ जाएगा 3300। अब दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया 3300 हो गया, जो कि पहले क्षेत्रफल कितना था चारों दीवारों का क्षेत्रफल 3600 था, अब कितना हो गया 3300, कितना कमी आया दीवार के क्षेत्रफल में कितना कमी आया, तो दीवार के क्षेत्रफल में जो कमी आया 3600 में से 3300 घटाएंगे तो दीवार के क्षेत्रफल में जो कमी आता वह 300 का कमी आता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से। अब अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन सॉल्व करें, ऑप्शन में क्या दिया है, तो कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, तो कमरे के जो कुल क्षेत्रफल है यह जब बढ़ जाता है तो 3300 हो जाता है, लेकिन जो पहले 3600 आया लेकिन अब कितना कमी आता है 300 का कमी आता है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में दिया है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपेयर किया मतलब तुलना किया है, तुलना यह किया कि पहले जो क्षेत्रफल था अब क्षेत्रफल कितना हो गया 3300 हो गया, तो यह जो प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है यह पहले क्षेत्रफल का मतलब अंतिम जो क्षेत्रफल आएगा इसका कितना है, तो इसका देखिए जब तुलना किया जाता है तो हम क्या करते हैं, जब भी तुलना करें क्वेश्चन में ये देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल है, यह जो आया फाइनली मतलब अंतिम क्षेत्रफल है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है अंतिम क्षेत्रफल जो है यानी जो यह है प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है अंतिम क्षेत्रफल का कितना है, तो तुलना किया जा रहा था किससे, तुलना किया जा रहा है प्रारंभिक क्षेत्र जिससे तुलना किया जाता है उसको हम क्या लिखते हैं 300 बटा कितना लिख देंगे 3600 हो जाएगा। यहाँ पे हाँ अगर प्रतिशत पूछता है तो यहाँ पे हम गुणे 100 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत नहीं पूछा है तो यहाँ पे हम गुणे 100 नहीं करेंगे, 0 को 0 काट देते हैं, यह हो जाएगा 1/12 आ जाएगा यह, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल जो मतलब जो अंतिम, अब देखिए दो दीवार का क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, दीवार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा अब वह प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 क्या हो जाएगा कम हो रहा है, यहाँ पे देखिए दीवार का क्षेत्रफल कम हो रहा है, पहले कितना था 36 अब कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, तो जो अंतिम क्षेत्रफल है यह है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 क्या होता है कम हो जाता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को।
क्वेश्चन नंबर 13 को, और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, कहता है क्वेश्चन में माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें कहता है कि माहिम ने 175 अंक में से, पूर्णांक जो था 175 का था, इन्होंने 175 में से कितना अंक प्राप्त किया, 126 अंक इसने प्राप्त किया, तो यह कितना प्रतिशत है, तो यह कितना प्रतिशत, यानी हमें प्रतिशत परसेंटेज निकाला है, इन्होंने कितना परसेंटेज पाया है, तो 126 बटा 175 गुणे 100 प्रतिशत निकालना है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 25 चौके 100 25 सत्ते 175, यहां से हम काटेंगे 5 7 7 5 12 8 7 56 18 चौक 72, 72 प्रतिशत इन्होंने प्राप्त किया, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था दोस्तों। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, इसमें कहता है कि 35 का 12 प्रतिशत होगा, बहुत ईजी दोस्तों क्वेश्चन, 35 का 12 प्रतिशत यानी 12 बटा 100, इसको हम सॉल्व करते हैं किसे, 5 7 35, यह 20 5 100 और यह कटेगा 4 3 12 4 5 20, हो जाएगा 7 3 21 कर लेते हैं, 21 बटा कितना जाएगा 5, इसको हम सॉल्व करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, यह दोस्तों यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4.2। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वेश्चन बहुत ईजी था। आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि 525 का 28 प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, पिछली वाली क्वेश्चन की तरह 525 का 28 प्रतिशत क्या होगा, 525 का 28 प्रतिशत, तो यहाँ पे दोस्तों हम 25 से काटते हैं 25 चौके 100, इसको 25 से करें 25 × 50, 25 से करें 25, 4 7 28, 7 7 7 × 14, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 147। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन में यह कहता है कि 65 का 220% क्या है, बहुत ईजी है, तो 65 का निकालना है 220%, 220 बटा 100, यहाँ से हम 1 1 0 हटा लेते हैं, इसको काट लेते हैं 2 से 2 5 10 13 5 65, अब 13 × 11 कर लेंगे तो 13 × 11 कितना आएगा, तो 11 3 33 के 3 हासिल के 3, 11 1 11 11 3 14 143, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित 16 क्वेश्चन को करवा दिया, जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो दोस्तों आप जानते हैं मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, और मैं आप लोगों को यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं। और दोस्तों इससे पिछले वाली वीडियो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट 15 क्वेश्चन को करवा दिया है जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। आज दोस्तों आज के वीडियो मैंने 16 क्वेश्चन को करवाया जो प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पुलिस में। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा जिससे यूपी पुलिस में संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए उसको मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आप लोगों को मैथ के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक को मैं इसी तरीके से करवाऊंगा, और जो भी यूपी पुलिस में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस को बटन कर प्रेस करेंगे तो मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड होगा और आप जाके वीडियो को देख पाएंगे सही टाइम पर। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।